अनाउंस हो चुकी है। कल क्रिप्ट को बोला है कि उनके होल्ड पे रख दिए जाएं सीटें, और जो ईमानदारी से मेहनत से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्हें जो है उनकी सीट्स दी जाएं। पर सरकार का पता नहीं मंशा क्या है, वही तो समझ नहीं आ रही है उनकी मंशा क्या है, क्यों नहीं हमें हमारे हक दिया जा रहा है। सर भूख हड़ताल पे कल से बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई मतलब कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा है। और सर अब हमें और आश्वासन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारे रिजल्ट्स चाहिए, वो भी लिखित रूप में चाहिए हमें। सर अब घर से बार बार आना लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों हमें बार बार मजबूर किया जा रहा है शिमला में आने के लिए। आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से, क्योंकि महिलाएं आई है दूर दूर से आई है। सर हम मंडी से हैं, कोई कुल्लू से हैं, कोई कांगड़ा से हैं, दूर दूर से आ रहे हैं सर। और सोचो किस तरह से एक लेडी को निकलना कितना मुश्किल होता है सर घर से। अब तो घर वाले ये बोलते हैं भी रिजल्ट लेके आओ, नहीं तो फिर अपने वहीं पे रहो, शिमला पे ही डटे रहो। सर अब क्या कोई उम्मीद बची है, क्योंकि काफी कष्ट आप लोग झेल रहे हैं। सरकार भी लगातार ये दावा कर रही है, 1 लाख नौकरियों का वादा किया था कांग्रेस ने जब विपक्ष में थी, तो वो वादा तो दूर रहा, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षाएं दे रखी है, कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, वो भी सड़क की राह पे। सर 800-980 के सर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल हमारे हालत, हमें अंदर से पता है किस तरह से इस टाइम मेरा सिर इतना भारी हो रखा है कि मैं बात भी नहीं कर सकते, पर अंदर इतना गुस्सा है कि वो क्या करें, बोलना पड़ता है, बिना बोले तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे को सारी क्लियरेंस मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, हमारा हक नहीं दिया जा रहा, जाएं तो जाएं कहां हम लोग, इतनी ठंड में सारे बच्चे यहां पे हैं, पर हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक महिला कुछ और भी है हमारे साथ, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मांग, प्रमुख मांग जो सरकार अभी तक तो नहीं मानी है, आपको उम्मीद है कि आपकी मांगों पर सुनवाई होगी? मेरा नाम सपना है और मैं मंडी से आई हूँ। हमारी प्रमुख मांग मुख्यमंत्री से ही है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। हम महिलाएं बहुत परेशान है, पता नहीं कैसे कैसे घर से आ रही है हम लोग, हमें घर से भेजा नहीं जा रहा है, और हमारे बच्चे घर मेरे को पता नहीं कैसे भूख में बैठे होंगे, क्या खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब से मेरा, और मेरी उम्र देखो मतलब 43 हो चुकी है, अब हमें कब नौकरी मिलेगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बस मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि हाथ जोड़ के उनसे भी नंबर नहीं। लेकिन सजा सबको मिल रही है? हाँ जी, सिर्फ हमारी पोस्ट कोड में एक ही लड़की मतलब महिला है जो पल्पित पाई गई है, और उसकी सजा हम 971 बच्चों को क्यों दी जा रही है। हम तो चाहते हैं कि हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसको मतलब होल्ड कर दिया जाए जिसका जो है। और हमने तो ऐसा भी बोला कि हमारा तो एफिडेविट ले लो, लिख के ले लो, हम साइन करके दे देते हैं। अगर कोई हमारे बीच में से अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो हम मतलब उसको मतलब वसूला जाए, ठीक है। आप जो है वो सारी शर्तें मानने को तैयार है, एफिडेविट भी देने को तैयार है, आप बताइए एफिडेविट भी आप लोग देने को तैयार है, फिर भी कहाँ अड़चन कहाँ आ रही है, क्योंकि आप लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या है सरकार के, आप सब लोग प्रैक्टिकल तौर पर जूझ रहे हैं, समस्या कहाँ आ रही है? सर मेरा नाम वंदना है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ, और हमारा पोस्ट कोड है स्टेनोटाइपिस 928। सर हमारे पोस्ट कोड में तो FIR भी नहीं है, फिर भी हमें लटका के रखा हुआ। CM साहब बोलते हैं कि 2 मंथ 3 मंथ और मतलब यही लगा हुआ, और 1 साल निकाल दिया, उसके ऊपर ही हो गया है, फिर भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमें नहीं पता ऐसी कौन सी जाँच चली हुई कि अंडर विजिलेंस चला हुआ, तो फिर भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा है ना कि कुछ हो रहा है। हम भी तो उनकी बहू बेटियों की तरह है ना, ऐसा तो है नहीं। अब घर वाले पैसे दे के भेज रहे हैं, इतना खर्चा करते हैं, पेपर निकाला हुआ, फिर भी भीख मांग रहे हैं यहाँ रिजल्ट के लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सर हमारी यही है कि भाई हम भाई CM साहब से चाहते हैं कि रिजल्ट निकाले जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं। बस आप लोग शिक्षा मंत्री से इतनी दफा मिले, शिक्षा मंत्री से उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया, और क्या आपको लगता है कि उनके स्थितियाँ उनके भी अनुकूल नहीं है? सर कुछ नहीं, आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिल रहे हैं तब से। अगर हम मैं सर ऊना से आया हूँ सर, इतनी दूर से आया हूँ सर, 200 किलोमीटर से आया हूँ, हमें सर अपना रिजल्ट चाहिए, 4 साल से हम सर भटके आ रहे हैं, और सर हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिले जा रहे हैं। हम सर हमारे इलाके के जो MLA जी हैं, MK अग्निहोत्री जी, हम उनसे भी कई बार मिल चुके हैं, डिप्टी CM जी से, पहले सर हमारे MLA ना वो, उनसे भी सर कई बार मिल चुके हैं हम, तो उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अब चलो उनकी खुद धर्मपत्री जी का निधन हो गया, चलो तो चलो नेचुरल प्रोसेस, लेकिन सर
हम यहाँ पे सर 4 साल तक के खा रहे हैं, हम कभी सेक्रेट्रिएट में जाके मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं खुला। लेकिन सरकार का ये दावा JOAIT के 2 अलग अलग परीक्षाओं में धांधलियाँ हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो वो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो दोषी है उनको तो सजा हो, लेकिन जो दोषी नहीं है उनका तो कम से कम रिजल्ट डिक्लेयर हो? हाँ जी सर, हम वही चाह रहे हैं। यहाँ से हर एक चीज़ का सर सोल्यूशन होता है, सरकार करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सर जिस तरह से सुभाषण मिल रहे हैं हमें लग नहीं रहा कि सरकार मतलब इसमें कुछ दिखा रही है कि आगे करो। लॉ डिपार्टमेंट का भी, लॉ से भी जो ओपिनियन आया था उन्होंने भी बोला था कि जो पकड़े गए हैं वहाँ पे उनको होल्ड करके बाकियों का रिजल्ट निकाला जाए सर, लेकिन सर कुछ भी नहीं हो रहा उसमें कि हमें रोजगार मिल सके। हमें कोई भी हमें कोई इच्छा नहीं है कि हम यहाँ इस कम कपाती ठंड में यहाँ बैठे। अभी देखो यहाँ पे रिसेंटली मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, हेडेक हो रही है पिछले 4-5 दिनों से रहा हूँ। अभी मैं भूख हड़ताल में बैठ रिसेंटली यहाँ से मेडिसिन दी हुई है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी क्या गलती थी? हमने क्या मेहनत करके पेपर पास किया? ये हमारी गलती है? जिनकी गलती है वो खुले में घूम रहे हैं, आप उन्हें अरेस्ट करो, आप उन्हें दोषी ठहराओ या फिर उनको सजा दो। अब उनकी सजा हम लोग क्यों भुगत रहे हैं आप हमें बताओ? हमने मेहनत की है ये हमारी सजा है, हमने पेपर पास किया ये हमारी सजा है। पेपर पास करने के लिए लगभग 2-3 साल मेहनत करनी पड़ती है, रातों की नींद आराम करनी पड़ती है, तब जाके ही पेपर पास होते हैं, अदरवाइज पेपर पास नहीं होता। पेपर पास किया उसके बाद भी रिटन टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट भी हमारा क्लियर है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है, फाइनल रिजल्ट ही बचा हुआ है, अब फाइनल रिजल्ट भी निकाल नहीं रहे। अब कौन करेगा भरपाई, कौन करेगा? 5 साल बर्बाद हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री, अभी रिसेंटली किसी मंत्री ने मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि 3 साल का आप पिछली सरकार से देखो, पिछली सरकार तो भुगत रही है, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की। क्या आप भी यही चाहते हैं कि हमारी और जो ये जिंदगी है आगे 1 साल और हमारा बर्बाद हो जाए? कीमती टाइम होता है, कीमती समय होता है, अगर इस उम्र में हमें जॉब नहीं लगेगी तो क्या हम 4-5 साल और वेट करें? चलिए, तो ये पीड़ा आपकी काफ़ी हद तक जायज भी है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस बता रहे किस तरीके से आपने प्रतियोगी परीक्षा पास की।